हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और टिकटॉक में आपका स्वागत है। सैमसंग ने आज एक नया स्मार्टफोन ए सीरीज का लॉन्च किया और ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A80। इस स्मार्टफोन की खासियत या कहें यूनिकनेस है इसका कैमरा, जो कि स्लाइड करता है और रोटेट भी करता है। ये कैमरा जो है ये रोटेशन के थ्रू फ्रंट कैमरे का भी काम करता है और ये असल में रियर कैमरा है। जब स्लाइडर इसका स्लाइड अप करता है तब यह रियर कैमरा रोटेट करके फ्रंट कैमरे में तब्दील हो जाता है। यानी कैमरा एक है और यूज़ हो रहा है एज ए रियर कैमरा और एज ए फ्रंट कैमरा भी। जहां तक स्पेसिफिकेशन की बात है, ये ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का है जिसमें सैमसंग ने लगाया है सुपर वाइड एंगल लेंस, और जो तीसरा सेंसर है उसमें लगा हुआ है TOF लेंस। जहां तक स्पेसिफिकेशन की बात है, ये जो सैमसंग का नया स्मार्टफोन है गैलेक्सी A80, ये आता है 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो कि एक नॉचलेस डिस्प्ले है, और इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर। साथ ही इसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी है। जहाँ तक बैटरी की बात है, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 3700 मिली एम्पायर की है, जो कि चार्ज होगी 25 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। एंड्रॉयड पाई इसमें लगा हुआ है, और जहाँ तक कलर्स की बात है, ये अवेलेबल रहेगा 3 कलर्स में, पहला ब्लैक, दूसरा गोल्ड और तीसरा वाइट। ये स्मार्टफोन अवेलेबल है 649 यूरो में, जो कि है लगभग 50,000 रुपये के बराबर। अगर देखा जाए तो ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और 50,000 रुपये की कीमत इसके लिए कुछ ज़्यादा है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया में जब ये आएगा तो इसकी कीमत सैमसंग कितनी रखता है और ये मार्केट में अपनी जगह कितनी बना पाता है। यह एक यूनिक स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, और देखने वाली बात होगी कि इसकी सेल जो है इंडिया में कितनी हो पाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।